सुगौली प्रखंड के शिक्षकों का आपदा को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ शुरू। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण जारी है। सुगांव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यह प्रशिक्षण चल रहा है। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम लोक भागीदारी एवं मीडिया संभाग के विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा से संबंधित COVID-19 सहित अन्य आपदा से बचाव के लिए यह कार्यक्रम प्रशिक्षण का आयोजित किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम विजय यादव ने बताया कि प्रखंड के विद्यालय में पदस्थापित 752 शिक्षकों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। 50-50 के दो बैचों में प्रशिक्षण में शिक्षक शामिल हो रहे हैं। प्रशिक्षक अभय कुमार कापर सहित अन्य लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को COVID-19 से बचाव और सुरक्षा के तरीके बताए जा रहे हैं। भूकंप, बाढ़, महामारी सहित अन्य तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण लेकर शिक्षक अपने विद्यालयों में बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए रक्षा के लिए तरीके बताएंगे। कुमार कापर, दीनदयाल सुगौली गर्ल हाई स्कूल +2 शिक्षक हूँ। मैं यहाँ प्रशिक्षक के रूप में हूँ। इसमें यही हमको बताना है कि प्रत्येक विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का गठन हो और आपदा संबंधी जो विपत्तियाँ आती है, अगर एकाएक आ जाएगा तो हम कैसे बच्चे को बचाएंगे, हम अपने कैसे बचेंगे। जैसे भूकंप आ गया, एकाएक अगर पढ़ा रहे हैं, अगर भूकंप आ गया तो उस समय हम कैसे बचेंगे। ये जब हमको जानकारी रहेगा तो हम अपने बच्चे को भी कराएंगे और इसके गठन भी करेंगे। गठन के लिए भी एक लिस्ट यहाँ हमने लिख दिया है, ऐसे हम गठन करेंगे। फोकल टीचर एक बनाएंगे, अध्यक्ष एक रखेंगे, मीना मंच का गठन करेंगे, ये सब एक्टिव रहेंगे। फोकल टीचर की बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती है जो इस सारी गतिविधि को कराएंगे विद्यालय में। एक सुरक्षित शनिवार रखा गया है, उस सुरक्षित शनिवार के दिन बैगलेस की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से आया है एक दिन बच्चे को बैगलेस आना, तो बैगलेस में भी हमको पेंटिंग उंटिंग ये सब सिखाना है बच्चे को, या गार्जियन का मीटिंग भी कराना है। जहाँ गार्जियन आवे, बच्चे को भेजे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आवे। इसी कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यक्रम है। हर दिन 50-50 मैंने 100 शिक्षक डेली करते हैं। और गैर आवासीय सर भी बोले हैं, गैर आवासीय है, लेकिन हम लोग को चाय खाना मिलता है यहाँ, इसमें सब लोग करते हैं। ये कहना उचित है क्योंकि गैर आवासीय में तो खाना वाना नहीं मिलता, लेकिन खाना है यहाँ, चाय भी मिलती है। बड़े अच्छे ढंग से चल रहे हैं, सारे शिक्षक हमारे आ रहे हैं। हाँ, किसी किसी का नहीं आ रहा है तो इलेक्शन चल रहा है मुतिहारी, उसमें भी किसी का ड्यूटी है तो इसके चलते एक आध टीचर एबसेंट भी हो जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट डे वो आएंगे ही आएंगे। परिचय आपका? मैं अभय कुमार कापुर, सुगौली गर्ल हाई स्कूल का शिक्षक। बिहार शिक्षा परियोजना विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को लेकर क्या कहिएगा? ये सरकार की बहुत ही